देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी से निकलने लगा तेल। राजस्थान में होती है जैतून की सबसे ज्यादा खेती। किसानों की पहली पसंद बन रहा जैतून। जैतून की खेती कर पानी की बचत कर रहे किसान। जैतून नाम सुनते ही कई लोगों के जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है, ये कैसा फल होता है। फिर बात अगर जैतून की खेती की जाए तो वो भी कल्पनीय है। बता दें कि देश में जैतून की सबसे अधिक खेती राजस्थान में होती है। शायद यही वजह है कि जैतून का तेल निकालने के लिए देश की सबसे पहली रिफाइनरी राजस्थान के बीकानेर जिले के लूण करणसर में लगाई गई है। किसानों की पहली पसंद बन रहा जैतून। देश की सबसे पहली जैतून रिफाइनरी में अब तेल निकलना शुरू हो गया है। राजस्थान के लूण करणसर में करीब 6 साल पहले लगाई गई इस रिफाइनरी से तेल उत्पादन शुरू हो गया है। देश भर से किसान अपनी जैतून की फसल लेकर इस रिफाइनरी में पहुंचने लगे हैं। इससे राजस्थान के इससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। जैतून रिफाइनरी लूण करणसर में इस सेशन का एक्सट्रैक्शन कार्य शुरू हो चुका है। पूरे राजस्थान के किसान जैतून की फसल लेकर लूण करणसर पहुंचने भी लगे हैं। शुरुआती दौर में राजस्थान के किसानों ने जैतून की खेती को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन मौजूदा समय में जैतून की खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। जैतून तेल की देश में अपनी ढंग की पहली रिफाइनरी। दरअसल राजस्थान के बीकानेर समेत कई जिलों में जैतून की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पहले किसानों को जैतून का तेल निकलवाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में 3 अक्टूबर 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने लूण करणसर में देश की पहली जैतून रिफाइनरी का उद्घाटन किया था। जैतून खेती से जुड़े अधिकारियों के अनुसार जैतून के पेड़ लगाने के 5 साल के बाद फल देना शुरू कर देते हैं। इन 5 सालों में इनकी 2 से 3 बार कटाई की जाती है, जिससे इनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। जैतून का तेल खाने और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काम के लिए जाता है। इसके साथ ही इनकी टहनियों में भी तेल की मात्रा होती है, जो कटाई के बाद जलाने के काम आती है। 182 हेक्टेयर में सरकार कर रही जैतून की खेती। वहीं जानकारों का कहना है कि इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय भी बनाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। बीकानेर के लूण करणसर जैतून रिफाइनरी के प्रबंधक सीताराम यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इसराइल से जैतून की 7 किस्में इंपोर्ट की है, जिसमें से 5 की राजस्थान में बहुत ही शानदार पैदावार हो रही है। राजस्थान सरकार के 182 हेक्टेयर में जैतून के फार्म लगे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में किसानों द्वारा भी 1000 हेक्टेयर में जैतून की खेती की जा रही है। 182 हेक्टेयर में गवर्नमेंट के फार्म लगे हुए हैं और उनमें हर फार्म में 7 वैरायटी इजराइल से इंपोर्ट की थी, जिसमें से 4-5 वैरायटी बहुत अच्छी है राजस्थान के लिए। और हमने कल ये एक्सट्रैक्शन इस सेशन के लिए स्टार्ट किया है, तो दूर दूर से किसान जिन्होंने भी बो रखा है वो लेके आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इसके अलावा हमारे राजस्थान में लगभग 1000 हेक्टेयर के अंदर इसका प्लांटेशन हो चुका है किसानों के यहाँ, जिनमें से लगभग अभी तक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 20 किसान ऐसे हैं जिनका इस साल प्रोडक्शन आएगा। पहले सेना में थी, अब कर रहे जैतून की खेती। वहीं झुंझुनू जिले के पिलानी से जैतून का तेल निकलवाने आए किसान ने बताया कि वे पहले भारतीय सेना में थी, रिटायरमेंट के बाद जैतून की खेती कर रहे हैं। जैतून को लेकर किसानों की बड़ी रुचि को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान इसराइल की बराबरी कर लेगा। झुंझुनू जिले के पिलानी से आया हूँ अपने लूण करणसर में ऑलिव का तेल निकलवाने के लिए। ऑलिव का किसान पिछले 6 साल से ऑलिव के पौधे लगा रखे हैं। इससे पहले भारतीय सेना में NSG कमांडो था और सेवानिवृत्ति के बाद में पूरा खेती का ही काम कर रहा हूँ, खेती में नए नए इनोवेशन। और आप देख सकते हैं ये यूरोप की खेती है, यूरोप में होती थी, अभी अपने इंडिया में खासतौर पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलिव की खेती हो रही है। कितने ज़्यादा आपको ऑलिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा किसानों के लिए फायदा है, बहुत बढ़िया चीज है खेती के लिए। जैतून का तेल मुख्यतः खाने के काम आता है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी माना जाता है। वहीं जब से देश की सबसे पहली जैतून रिफाइनरी में तेल निकलना शुरू हुआ है तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पंजाब के सी टीवी राजस्थान के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।